नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 प्रश्न संख्या 8 से डिस्कस करते हुए इसको पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कहता है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे फॉर दिस बाय पे इफ He buys it, यानी वो इसको खरीदेगा तो कितना पे करेगा। तो पहले हम लिख देंगे विद्यार्थियों प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी आपका 13,000। इसके बाद दिया है विद्यार्थियों इसने सेल टैक्स है वो 12% दिया हुआ है। सेल टैक्स हमेशा ऐड होता है विद्यार्थियों, जब भी हम कोई चीज़ को बेचते हैं तो उसके ऊपर जो परसेंटेज होता है वो निकाल के उसके अंदर ऐड कर देते हैं। सेल टैक्स 12% दिया था हमने, सेल टैक्स अमाउंट निकाली तो ये कितनी आ जाएगी 13,000 का 12% निकाल देंगे, 12/100, 20 से 20 एक जीरो आ जाएगी, 12 की 13 से मल्टीप्लाई, 12 3 36, 3 12 और 3 15, यानी 1560 रुपये आ जाएगी विद्यार्थियों। जब हम जो प्राइस दिया हुआ था उसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो पे आ जाएगा उसका जो भी होगा। ये पूछा था विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, तो लिखेंगे विनोद विल पे, यानी कितना पे करेगा वो 13,000 प्लस में 1560 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों 60 5 3 और 1 4 14,560 रुपये आ जाएगा जो टेलीविजन का पे होगा। यानी इसका प्राइस तो ये दिया हुआ था 12% चार्ज, सेल टैक्स हो गया, सेल टैक्स ही आ गया 1560 और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा विनोद भी पे, यानी विनोद ने कितना पे किया वो होगा इसका 14,560। इसके बाद प्रश्न संख्या नाइन में क्या कहता है, ये प्रश्न संख्या 9 में कहता है अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वर्थ द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। यानी अरुण ने पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा जिसपे 20% डिस्काउंट था, इफ ही अमाउंट पे इज रुपीज 1600, यदि उसने पे है वो 1600 रुपये किए तो फाइंड द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बताना है विद्यार्थियों। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मान लिया 800 रुपीज और उसके बाद इसके ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दे दिया 20% डिस्काउंट मनी कितनी आएगी, यानी x का 20% निकाल दिया ये 5 पे कट जाएगा, यानी x बाय 5 रुपीज उसका डिस्काउंट आ गया। तब पे कितना करेगा अमाउंट ही पे या अरुण अमाउंट पे, अरुण पे अमाउंट, यानी अरुण है वो कितनी पे अमाउंट करेगा, यानी यदि इसका प्राइस 100 रुपये था ये उसका डिस्काउंट हो गया x माइनस का x बाई 5 हमारे अकॉर्डिंग तो ये करेगा, लेकिन दिया हुआ है विद्यार्थियों इसके अंदर 1600 रुपये तो इक्वल टू 1600 करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 5 आ जाएगा, 5x माइनस का x यानी ये 4/5x इक्वल टू 1600 आ जाएगा। जब x निकालेंगे तो 1600 4/5 इधर जाके ये 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 400, तो x इक्वल टू आ जाएगा विद्यार्थियों 2000 आ जाएगा। तो लिख देंगे मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस जो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदना या सीधा ही लिख दीजिए 2000, यानी 2000 वो मार्केट प्राइस होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 विद्यार्थियों, इसके अंदर कहता है आई परचेज ए हेयर ड्रायर, मैंने हेयर ड्रायर परचेज किया और ₹5400 इंक्लूड 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड, यानी ₹5400 में हेयर ड्रायर परचेज किया गया, 8% उसके ऊपर वेटेज है और यानी वेटेज से पहले उसका वेटेज ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या था ये हमें निकालना है। सेम इसी तरह ही होगा विद्यार्थियों, जैसे हम मान लेंगे लेट प्राइस बिफोर वेटेज ऑफ हेयर ड्रायर, लेट प्राइस बिफोर वेट, बिफोर वेट, बिफोर वेट ऑफ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर ₹100 मान लिया विद्यार्थियों और इसके ऊपर वेट था वो होगा 8%, यहाँ पे हम 8% लिख देंगे। अमाउंट ऑफ वेट यानी वेट का अमाउंट कितना होगा, एक्स का 8% निकाल देंगे विद्यार्थियों, तो आ जाएगा 8x/100, या काट के लिख देना। अब हम लिखेंगे क्या, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर आफ्टर एडिट टू वेट, ये क्या आ जाएगा, इसका प्राइस था विद्यार्थियों एक्स और इसमें ऐड कर दिया 8x+100 और ये दिया हुआ है आपको ₹5400, तो हम इसको इक्वल टू ₹5400 कर देंगे और हम अपना निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 100, ये आएगा आपका 100x+8x यानी ₹5400 = 108x/100 आ जाएगा। जब हम एक्स निकालेंगे विद्यार्थियों वही सेम वे 5400 में ये 100 ऊपर चला जाएगा और 108 नीचे आएगा। जब हमने इसको 9 से काटते हैं तो ये आएगा हमारा 9 × 9 = 18 और 9 × 6 = 54, फिर 12 से काट दिया 5, 50 पे कट जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5000 आ जाता है विद्यार्थियों। अक्स जो मान के चले थे लेट हटा देंगे, प्राइस बिफोर वेट ऑफ हेयर ड्रायर 5000 आएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट इक्वल टू 5000 आएगा। ऐसे विद्यार्थी आपका प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 देखिए, 11 में कहता है एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूड जीएसटी ऑफ 18%, यानी 18% जीएसटी इंक्लूड करने के बाद ये होता है फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडिड, यानी जीएसटी ऐड करने से पहले इसका प्राइस निकालें। सेम वे विद्यार्थियों जो हमारा वेट ऐड हुआ था इसी तरह ये ऐड होगा, तो ये प्रश्न संख्या 11 खुद ट्राई करेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।